सब्सक्राइब कीजिए संपर्क टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि लोक अदालत क्या है, इसमें कौन कौन से मामला सुने जाते हैं, कोर्ट फीस कितना है, इसका क्या विशेषता है और सबसे महत्वपूर्ण कि इससे क्या क्या लाभ मिलता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और फिर से इस बात पर एक लाइक बनता है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, देख के छोड़ देते हैं, लाइक का कोई पैसा लग रहा है, लाइक दबाइए ना पूरा ठोक के। और मैं बता देना चाहता हूँ मेरा चैनल संपत टेक्नो का और भी महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक इधर आपको आई वाले बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप लोग उसको जरूर वॉच कर लें। आप फ्रेंड्स पहले पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद यदि वीडियो संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कॉमेंट में लिखिए, मैं सभी का प्रश्न का जवाब दूंगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं। लोक अदालत एक मंच फोरम है जहां वे मामले का निपटारा किए जाते हैं जो न्यायालय में लंबित है अथवा न्यायालय के समक्ष अभी नहीं लाए गए, यानी दो पक्षों के बीच विवाद का समाधान लोक अदालत में आसानी से कराया जा सकता है। पहला लोक अदालत शिविर 1982 यानी 1982 में गुजरात में आयोजित किया गया था और यह विवादों के निपटारे में बहुत सफल हुई थी। परिणाम स्वरूप लोक अदालत का देश का अन्य हिस्सों में प्रचार होने लगा। लोक अदालत में विवाह संबंधित विवाद, पारिवारिक विवाद, भूमि विवाद, उपभोक्ता शिकायत के मामले, बिजली टेलीफोन बिल संबंधित मामले, बैंक वसूली के मामले, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के मामले, पेंशन मामले इत्यादि लोक अदालत द्वारा हाथ में लिए जा रहे हैं। लोक अदालत IPC 1860 यानी IPC 1860 के तहत कार्य करती है। IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन पैनल कोड, जिसका हिंदी होता है दंड संहिता। इसमें कोई अदालती फीस यानी कोर्ट का फीस नहीं लगता है। यदि आप कोर्ट का फीस दे भी दिए हैं तो फैसला का निस्तारण हो जाने के बाद आपको फी वापस कर दी जाती है। यह बहुत ही कम खर्चीला होता है और इसमें बहुत ही कम समय लगता है। लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा और लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी, यानी कि लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए। साथ ही यदि आपका मन में कुछ प्रश्न हो या फिर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं वीडियो संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।